भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जितने भी उपसर्गों का निवारण हुआ है ना, देवों ने जितना उपसर्ग निवारण किया है नमोकार मंत्र के प्रभाव से किया है। सीता ने क्या पढ़ा था अग्नि कुंड में, नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाणम, ऐसा ये महामंत्र सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते सुख में दुख में भय में पीड़ा में आनंद में हमेशा क्या स्मरण रहना चाहिए, नमोकार महामंत्र। इसका आज यहाँ पर विधान किया, एक एक अक्षर को अर्घ चढ़ाया गया है। हर अक्षर के एक एक अधिष्ठाता देवी देवता होते हैं, है ना। तो ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसके अधिष्ठाता देवी देवता ना हो। और वह जब उस बीजाक्षर को हम जपते हैं ना, तो देवी देवता हमें वरदान देते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाया करते हैं। एक ने कहा कि बार बार बोलने से क्या होता है, एक बार बोल दो ना नमो रियंताणम नमो से, क्या 108 बार बोलते रहते हो। बार बार बोलने से बहुत फर्क पड़ता है, दोहराने से बहुत फर्क पड़ता है। बोले क्यों, भगवान को याद नहीं रहता, उनको सुना रहे क्या, भगवान को नहीं सुनाया जा रहा है, ये अपने भीतर जो भगवान छिपा है उसको सुनाया जा रहा है। बार बार करने से क्या होगा, अब यहाँ सब इंद्राणियाँ बैठी हैं, घर गृहस्थी का काम भी करती होंगी। यदि आपको एक कटोरे में दही दे दिया जाए और एक मथानी दे दी जाए, उसको बार बार घुमाओगे तो क्या होगा, बोलो, दही को बार बार घुमाने से क्या होता है, कुछ होता है या नहीं होता है। मक्खन निकलता है ना, मक्खन से क्या मिलता है, नवनीत से घृत प्राप्त होता है, मालूम है। तो बार एक बार में घी निकलता है कि बार बार में निकलता है, नहीं एक बार ऐसा कर देना नवनीत आ जाएगा ऊपर, ऐसा होगा क्या, कितनी बार करना पड़ेगा, लगे रहो बिल्कुल धा 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 धा, तो वो नवनीत ऊपर आ जाएगा। तो जैसे दही को मथने से नवनीत प्राप्त हुआ करता है, कभी पहले के जमाने में तुम लोग जानते होगी कि मेहंदी घर में पीसी जाती थी, हाथों में लगाने वाली पत्तियां ला करके कितने बार में रंग निकलती थी, कहते थे जितना पीसोगे उतना रंग मेहंदी का निखरेगा। तो कितनी बार, एक बार में हो जाएगा क्या, बार बार पत्थर पर मेहंदी को घिसो तो मेहंदी अपना रंग दिया करती है। विचार करिए, गेहूं को बार बार चक्की में घुमाओ तो आटा बन जाया करता है, बार बार तो करना पड़ता है। एक पतली सी बूंद बार बार यदि चट्टान पर गिरती है तो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी वालू बना दिया करती है, रेत बना दिया करती है। इसीलिए ये मत सोचो कि दोहराने से क्या होता है, बार बार जपोगे तब मंत्र की शक्तियां हमारे अंदर प्रकट हुआ करती हैं, एक बार में नहीं होती हैं। लगते रहो, जपते रहो, बोलते रहो, जितना बार बार करोगे, बोलो एक पाठ को बार बार पढ़ो तो क्या होता है, मुख पाठ हो जाता है ना, मुख में आ जाता है, मुखाग्र याद हो जाया करता है। ये बार बार कई चीजें बार बार करना पड़ती हैं। मुनि महाराज भी एक बार बनने से मोक्ष नहीं होता, बार बार हर जन्म में बनते रहो बनते रहो बनते बनते ये मुनि महाराज एक दिन भगवान बन करके निर्वाण को प्राप्त कर लेते। बार बार करना पड़ता है, एक बार में काम होने वाला नहीं है। इसलिए नमोकार भी 108 बार जपो, 1,25,000 बार जपो, करोड़ों बार जपो, जपते रहो जपते रहो जपते रहो, जितना जपोगे उतनी सिद्धियां प्राप्त होंगी। सिद्धि कौन सी, मंत्र तंत्र जादू टोना वाली नहीं, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, निर्वाण की सिद्धि उसको प्राप्त हो जाया करती है। इसलिए बार बार अभ्यास करो,
बोलते रहो बोलते रहो, जप क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रातः काल खिली न खिली, जप ले नमो कारे अरि रसना, तू अंत समय में हिली ना हिली। जिह्वा का क्या भरोसा, पैरालिसिस हो जाए हिल भी नहीं पाएगी, भगवान का नाम नहीं ले पाएगी। अभी चल रही है तो चटर पटर खिलाने में हम लगे हुए हैं, ऐ मीठा मीठा तीखा तीखा खिलाने में लगे, खूब मीठा खिलाओ, लेकिन इससे भगवान का नाम भी तो जपवाओ, नमोकार मंत्र भी तो जपवाओ। खाते समय चल पागल तूने खा लिया, अब पेट भर गया, अब भगवान का नाम जप तो तुम्हारा खिलाना पिलाना सार्थक और सफल हो जाएगा। इसलिए बार बार जपिए, हजार बार जपिए, लाख बार जपिए, नमोकार मंत्र जपते रहिए। जितना जपोगे, चिंगम हो खाइए कभी है, मुंह में चबाते रहो चबाते रहो, जितना चबाओ उतना मजा आता है ना। पहले तो मीठी मीठी सी लगती है, फिर धीरे फीकी होती जाती है, चबाते रहो चबाते रहो, हवा मुंह से भरते रहो, गुब्बारा बनाते रहो, फिर फूट जाएगा फिर करते रहो, और जब जी भर जाए निकाल के सामने वाले के बाल में डाल दो, मजा आ गया चिंगम खाने का। तो जो जितना उसे चबाओ उतना मजा आता है। भोजन को भी क्या कहा है, 32 बार चबाओ तो कभी आपको रोग नहीं होगा, एक गिलास 32 बार चबाइए। तो बार बार करिए, उससे हमको फल की प्राप्ति होती है। जिन्हें पढ़ना नहीं आता बार बार पढ़ो, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। एक रस्सी पत्थर को काट देती है तो क्या नमोकार मंत्र हमारे कर्मों को नहीं काटेगा, वह कर्म को काट देता है, पाप को काट दिया करता है। जपते रहो, ये दीक्षाएं हुई है ना, इनको दे रखी है 3500 माला फेरो, फेरते रहो नमोकार मंत्र की। क्यों क्यों दी है, कि जो ग्रस्त संबंधी पाप कर्म थे उनका नाश इस माला से होगा, क्योंकि आधा जीवन तो ग्रस्ती में बीत गया। ग्रस्त के पास धर्म कहाँ होता है, पाप के रास्ते ज्यादा होते हैं। जब ये 3500 माला पूरी हो जाएंगी तो ग्रस्त में किए हुए कर्मों का नाश हो जाएगा, फिर मुनि के कर्म प्रारंभ हुआ करते हैं, ये व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। इनका जीवन बदल गया, सोच बदल गया, पुराने कर्मों का संवर कैसे करोगे, संवर से निर्जरा, निर्जरा से मोक्ष। तो अब इनकी मुद्रा तो संवर की मुद्रा है, तो संवर करना है तो नमोकार मंत्र जपते रहो, पुराने कर्मों का संवर हो जाएगा, नए का आश्रव नहीं होगा। पुराने जो कर्म हैं, संवर होने से नए तो आएंगे नहीं, अब संवर हो गया तो पुराने कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाया करती है। तो दीक्षा निर्जरा के लिए ली जाती है, ऐसे आप लोग भी सतत नमोकार मंत्र जपते रहो, जब समय मिले। जब मैं तो कहता हूं, जब भोजन करने बैठो ना तो पहले नमोकार मंत्र बोला करो, जब पानी पियो ना तो नमोकार मंत्र बोला करो, जब आप दवाई खाओ ना खाने से पहले उस दवाई के सामने नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म बोलना और कहना, हे औषधि मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तू मेरे रोग का समन कर रही है। ऐसे भावों से औषधियां लो, ऐसे भावों से जल का आचमन करो, ऐसे भावों से भोजन ग्रहण करो, हर चीज में नमोकार मंत्र बोल करके करो। कैसे तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा, अमृत हो जाएगा वह भोजन यदि नमोकार मंत्र पढ़ दिया तो। ऐसे नहीं खाना खाते जा रहे हैं और कुछ भी बोलते जा रहे हैं, नहीं, नमोकार के साथ। मैं तो कहता हूँ, जो बीमारी आपकी साल भर में दूर होना है, नमोकार पढ़ के दवाइयाँ खाइए, महीने भर में आप दवाइयों से मुक्ति पा लेंगे, ये नमोकार मंत्र का प्रभाव हुआ करता है। आचार्य विमल सागर जी महाराज जब ग्रस्त जीवन में थे, मालूम है, पंडित नेमी चंद उनका नाम था, शुरू से दयालु और करुणा वाले थे। कोई भी जाता था, पंडित जी हमारा बच्चा बीमार, कुछ दवाई दे दो, हमारे पत्नी बीमार, इसका कुल, अब वो कोई डॉक्टर तो थे नहीं, तो श्रद्धा रखते थे भगवान पर। एक बार उनके पास एक माता पहुंची,
उस माता ने कहा मेरा पुत्र मरणासन्न है, उसकी मृत्यु हो जाएगी, पंडित जी कुछ कर दीजिए। उस समय नेमी चंद जी व्रती थे, अपना भोजन खुद बनाते थे, तो चूल्हे में बनता था, पहले गैसेस तो होते नहीं थे। उन्होंने चूल्हे की राख उठाई, नमोकार मंत्र पढ़ाओ का जा खिला दे, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। वो वैश्राविका भी बड़ी श्रद्धा से ले गई, बड़ी बड़ी दवाइयों ने वो काम नहीं किया जो चूल्हे की राख ने उनका कमाल कर दिया। बेटा स्वस्थ हो गया, निरोग हो गया, उसको बीमारी थी, मरणासन्न था, जीवन की आशा लेकर के पैदा हो गया। ध्यान रखना, श्रद्धा के साथ जो जप लेता है महामंत्र नमोकार को, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। ध्यान रखना, पूरे भोलेपन के साथ, श्रद्धा के साथ इस महामंत्र की आराधना आप करें, घर में भी करें। मैं तो कहता हूँ घरों में जाकर के रोज ये विधान करो, नमोकार मंत्र विधान। पद नहीं बोल सकते हो, मंत्र मंत्र बोल करके अर्घ चढ़ाओ, अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होती है, शरीर में निरोगता प्राप्त होती है। प्रतिदिन विधान करो, जीवन का कल्याण होगा। अष्टमी चौदस को करो, जैसे नमोकार मंत्र के व्रत करते हैं ना, उन तिथियों में नमोकार का विधान करो, जीवन तुम्हारा परम आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। आज हमारे प्रदीप जी पांड्या और प्रेमलता जी पांड्या ने यह विधान यहाँ पर आयोजित किया है। हमारे बहुत पुराने भक्त हैं, जयपुर चातुर्मास से जुड़े हुए हैं, पूरे चातुर्मास में इनके परिवार ने एक दिन भी अनुपस्थिति नहीं रखी जयपुर में। सुबह से शाम चलो भट्टारक जी की नसिया, महाराज के दर्शन करना, इनकी बच्ची, इनका परिवार, इनके बेटे, सभी लोग, दोनों बेटियां, बड़ी वाली की तो शादी हो गई थी लेकिन उस समय दोनों बेटियां आकर के किस तरह से चार महीने आहार में, वैयावृत्ति में, पूजन में, क्लास में पूरा लाभ उन्होंने लिया। तब से जुड़े तो जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, और आज इतने वर्ष हो गए 10-15 साल तो हो गए कि नहीं हुए? कब हुआ था चौमासा जयपुर में? 10-12 क्या मालूम कब हुआ, है ना, 8-10 साल तो हो ही गए हैं। तब से ये परिवार पूरी तरह से समर्पित परिवार है, और ज़्यादा लपड़े झपड़े में नहीं है समाज के, चुपचाप रहना, अपनी भक्ति करना, लड़ाई झगड़े से दूर रहना, जो भी लड़ना है आपस में कर लेते हैं, समाज में करने की जरूरत नहीं मिला करती है, सारे निपटारे घर में ही हो जाते, लड़ झगड़ भी घर में लेते हैं, उसके बाद भी प्रेम से रहते हैं, क्योंकि प्रेमलता उनके साथ है।